फेक फॉलोवर्स हटाना क्यों जरूरी है? देखो एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनना। सपोज करो आपके इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोवर्स है जिसमें कि 500 फेक है जो आपने किसी वेबसाइट से या फिर कोई ट्रिक करके यहां पर गेन करे हैं, और 500 आपके रियल हैं जो आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स या फिर आपका कॉन्टेंट देख के जिसने आपको फॉलो करा है। ठीक है, 500 हो गए रियल और 500 हो गए फेक। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करो आपने एक रील्स अपलोड करी है, रील्स ले लो या फिर कोई पोस्ट ले लो या फिर कोई वीडियो ले लो, कुछ भी चीज आपने अपलोड करा। अब जो आपके फेक 500 फॉलोवर्स थे वो आपकी पोस्ट को ना लाइक करने के हैं, ना वॉच करने के हैं, ना कमेंट करने के हैं। उन फेक फॉलोवर्स का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो अनएक्टिव है। वो फेक फॉलोवर्स मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा होते क्या है, बट वो उनमें से 500 में से एक भी बंदा आपके पोस्ट को लाइक नहीं करने का है। तो हम 500 को तो हटा देते हैं साइड में। अब 500 हम रियल वाले पे आ जाते हैं। अब 500 रियल वाले पे हैं तो उनके एंगेजमेंट हम ले लेते हैं, एवरेजिंग हम ले लेते हैं। आपने कोई पोस्ट अपलोड करी तो उन 500 जो रियल आपके फॉलोवर्स हैं उनमें से लगभग 100 या 150 ही बंदे आपकी पोस्ट को लाइक करेंगे। जो आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर हो गए, कोई भी हो गया, एक एवरेज ले लेते हैं, इतने ही करते हैं, 500 में से इतने ही करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर 100 या 150 एक एवरेज ले लेते हैं, 150 ले लेते हैं। तो 150 बंदों ने आपकी पोस्ट को फॉलो, मतलब आपकी पोस्ट को लाइक करा और आपके पोस्ट पे कमेंट किया, फिर वॉच करा, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अब आपके जो फॉलोवर्स है, जो इंस्टाग्राम की नजर में फॉलोवर्स है वो है 1000 और आपके पोस्ट पर लाइक कितना है, 100 या 150 केवल। तो यहां पर एंगेजमेंट परसेंटेज कितना हो गया, तो अगर हम 150 भी लेते हैं, 150 बंदों ने लाइक करा, तो एंगेजमेंट परसेंट हो गया 15%, केवल 15%। आपकी पोस्ट पर 1000 फॉलोवर्स है और यहां पर 150 ही केवल लोग लाइक कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो चेक करेंगे और उनको लगेगा कि कंटेंट में दम ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि फेक फॉलोवर्स बहुत ज्यादा नुकसान वाली चीज है, आप कभी मत बढ़ाओ। हाँ, मैंने पहले एक दो वीडियोस बनाई है कि वेबसाइट की मदद से आप फेक फॉलोवर्स इंक्रीज कर सकते हो, बट मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जिसको जरूरत है, जिसको कोई कंटेंट अपलोड नहीं करना है, जिसको केवल शो करना है, वो फेक फॉलोवर्स बढ़ा सकता है। अदरवाइज जो रील्स अपलोड करता है, जो कंटेंट अपलोड करता है, उसके लिए फेक फॉलोवर्स बिल्कुल बेकार की चीज है। क्योंकि यहां पर आपने फेक फॉलोवर्स तो 10,000 बढ़ा लिए पर आपकी पोस्ट पर, आपकी रील्स पर लाइक्स आ रहे हैं केवल 50 या 100 आ रहे हैं, तो आपकी एंगेजमेंट जो होगी वो केवल 0.1-2% हो गई। तो इसलिए एल्गोरिथम को लगता है कंटेंट में दम ही नहीं है, तो वो कभी भी वायरल खुद से नहीं करती। अब तुषार भाई, तुमने भाषण तो बहुत दे दिया, बट ये नहीं बताया कि इनको रिमूव कैसे करें, फेक फॉलोवर्स हो या फिर गोस्ट फॉलोवर हो। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, 2 से 3 ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी फॉलोइंग हो या फिर फॉलोवर या फिर आपके फॉलोवर्स हो सारे रिमूव हो जाएंगे, मतलब सारे नहीं यार, फेक और गोस्ट फॉलोवर। ठीक है, तो मैं आपको पहले ट्रिक बताता हूँ। एक एप्लीकेशन का है जिसका आपने नाम भी सुना होगा, फॉलो अनफॉलो। ये भाई जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था ना, ये एप्लीकेशन तब से चलती आ रही है। अब कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं आपको बस एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन में बट एक रिस्क है, आपको अपने इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाई मैंने जितना रिसर्च करा और एक लॉजिकली अगर हम देखें, ये एप्लीकेशन एक तो बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है, अगर ये कुछ हैक वगैरह करते हैं हमारा इंस्टाग्राम तो यहाँ पर ये बैन हो जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज, इसके डाउनलोड्स बहुत ज्यादा है, मतलब इतने डाउनलोड्स हैं, लोगों ने इतना लॉगिन कर रखा होगा इसके अंदर कि मतलब आपका इंस्टाग्राम कहीं दिखने का भी नहीं है। पहले इसको लॉगिन करो इसके अंदर, उसके बाद अपना काम खत्म करो और पासवर्ड चेंज कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हो, बट वैसे भी फिर भी एक बार सोच समझ के करना, ठीक है, क्योंकि इसमें आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है। बट मैंने अपना लॉगिन कर रखा है, मेन अकाउंट लॉगिन कर रखा है। ठीक है, तो यहां पर हम चलते हैं। इसमें काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, लाइक ये भी ऑप्शंस हैं कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, कौन आपको फॉलो नहीं कर रहा, तो आपको ये भी पता चल जाता है, तो आप उसको वहां से अनफॉलो कर सकते हो। भाई हटा यहां पर, भाई थोड़ा एटीट्यूड रखो, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, तो उनको हटा देना। ठीक है, और दूसरी चीज आती है कि भाई यहां पर गोस्ट फॉलोवर्स, आप लिस्ट देख सकते हो, मतलब आपको लिस्ट नहीं दिखेगी, आप ऊपर पढ़ सकते हो गोस्ट फॉलोवर्स। अब गोस्ट फॉलोवर्स आपको पता है क्या होते हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे यह समझ में नहीं आया कि मेरे लिस्ट नहीं आ रही गोस्ट फॉलोवर की, मेरे अकाउंट में लिस्ट नहीं आ रही। पता नहीं क्यों नहीं आ रही, या तो ये एनालाइज नहीं कर पा रहा है, बट यहां पर मैंने बहुत टाइम पहले एक बार लॉगिन करा था, उस टाइम तो एनालाइज कर लिया था, बट इस टाइम नहीं कर रहा है। तो अगर आपकी लिस्ट आती है, आप उन सभी को अनफॉलो कर देना, वो फेक फॉलोवर्स है और वो गोस्ट फॉलोवर्स है। ठीक है, एक ट्रिक तो आप ये हो गई। अब दूसरी ट्रिक चलता है हम अपने इंस्टाग्राम पर। अब यहां पर मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूं। अब देखो भाई, गोस्ट फॉलोवर्स कौन होता है, गोस्ट फॉलोवर्स वो होते हैं जो आपकी पोस्ट को लाइक नहीं करते, या फिर आपकी आपकी रील्स नहीं देखते हैं, या फिर भाई कमेंट नहीं करते, आपकी स्टोरी को वॉच नहीं करते हैं, आपको डीएम नहीं करते हैं, मतलब आपके इंस्टाग्राम का उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बस वो आपको फॉलो कर बैठे हैं और उसके बाद आपका इंस्टाग्राम, आप क्या कर रहे हो उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो केवल आपकी फॉलोइंग, आपके फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं और आपका जो इंस्टाग्राम है ग्रो होने से रोक रहे हैं। ठीक है, वो होते हैं गोस्ट फॉलोवर्स। अब उनको आप कैसे रिमूव कर सकते हो, लाइक आपने काफी ज्यादा जनों को फॉलो कर रखा है और आप परेशान हो कि भाई इनको अनफॉलो करता हूं मैं, ठीक है, बट यार पता कैसे करें कौन गोस्ट है कौन रियल है। ठीक है, तो आप एक ट्रिक कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं। आप जाना अपने फॉलोइंग में,
फॉलोवर्स का भी बताऊंगा, पहले फॉलोइंग का जान लेता है। ठीक है, आप जान अपने फॉलोइंग में आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिस्ट इंटरेस्टेड विद, ठीक है ना, आप इस पर क्लिक कर देना। अब देखो भाई यहाँ पर वो जन आ जाएंगे जो आपकी पोस्ट को कभी फॉलो नहीं कर, आपकी पोस्ट को कभी लाइक नहीं करते हैं, या फिर कॉमेंट नहीं करते हैं, या फिर आपकी आपको आपको डीएम नहीं करते, आपकी स्टोरी वॉच नहीं करते हैं, ये वो लिस्ट आ जाएगी। हम अमिताभ बच्चन है, जाहिर सी बात है भाई, ना मुझको मतलब ना मुझको फॉलो कर बैठा है और ना मतलब कर बैठे सॉरी, ठीक है ना, मेरी पोस्ट को लाइक करते होंगे, ना कमेंट करते होंगे, ना स्टोरी वॉच करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये उनकी लिस्ट आ रही है ऑफिशियल, ठीक है, सोनाली बिंद्रे हो गई मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सभी आ रहा है, जिम्मी शेरगिल हो गया, मिथुन हो गया, और यहाँ पर भाई ये सारे एक दो जने और हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एक दो जने और आ जाते हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह, ठीक है। तो ये मेरी पोस्ट को वगैरह लाइक वगैरह नहीं करते हैं, तो एक तरह से अगर मैं इनको रिमूव भी कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बट फिर भी मेरे फ्रेंड्स हैं तो ठीक है, मैं इनको अनफॉलो नहीं करूंगा, आप कर सकते हो अगर आपको करना है, कोई अनजान है, ठीक है। अब बात है हम अपने फॉलोवर्स में, सबसे बड़ी चीज फॉलोवर्स, जो मैंने आपको पहले पार्ट पढ़ाया था ना वो फॉलोवर्स के लिए रहता, ठीक है। तो फॉलोवर्स को हम कैसे रिमूव करें, कैसे पता लगाएं कि ये फेक फॉलोवर्स है या फिर कोई गोस्ट फॉलोवर्स है, अब इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी, केवल एक ही ट्रिक मिलती है मुझको। अब देखो भाई यहां पर आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फेक है और कौन सा गोस्ट है, क्योंकि कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है कि आपको ये बताता कि ये फेक है, कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है, सही बता रहा हूं मैं, क्योंकि भाई बंदा फॉलो कर लेता है बट वो लाइक वगैरह नहीं करता है, जाहिर सी बात है, बट वो ऐसा नहीं है कि फेक है, वो रियल भी हो सकता है। तो रियल, अगर आप रियल अपने फॉलोवर्स को रिमूव कर दो तो वो भी ठीक नहीं है। तो यहां पर आपको खुद पता करना पड़ेगा, वो आप कैसे पता कर सकते हो, जो भी उल्टे सीधे नाम होंगे या फिर जिनकी डीपी नहीं लगी होंगी वो हमेशा फेक फॉलोवर्स मिलेगा आपको, या गोस्ट फॉलोवर्स मिलेगा, जिसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा होगी वो हमेशा आपको फेक ही मिलेगा। यहां पर लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर मैं नीचे चलता हूं, ठीक है। तो जो मुझको लगेगा मैं उसको एक बार खोल के दूंगा, या फिर जिसका टेढ़ा मेढ़ा सा नाम होगा ना कुछ, मतलब ABJ पता नहीं कुछ ऐसी, मतलब ABJ नहीं, मतलब कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा सा नाम होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो आए जा रहे हैं काफ़ी आए जा रहे हैं, बट मुझे इन पर फिर भी शक है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक बढ़िया सा अकाउंट निकाल के दूंगा, जैसे देखो आप लोग देख सकते हो इसका यूजर नेम देखो 82524, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ कि फॉलोइंग ज़्यादा होगी, देखो मैंने पहले बता दिया, मतलब यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया, और देखो इसने मुझको फॉलो कर रखा है, तो जाहिर सी बात है इतना कोई ना डीएम करा होगा मुझे, मुझसे प्रॉब्लम पूछी होगी। मैं बिना खोले ये कह सकता हूँ कि इसने कोई इसका कोई डीएम नहीं होगा, मैं गारंटी कह सकता हूँ, क्योंकि फेक है, जाहिर सी बात है। एक टाइम पे मैंने फेक बढ़ाए थे और यहाँ पर किसी ने और ने बढ़ाए थे तो फेक बढ़ गए थे, ये उनमें से एक है, मैं गारंटी कह सकता हूँ। इसको भी लोड नहीं हो रहा है, लोड हो गया, देखो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, एक सेकंड भाई, यहाँ पर हम दोबारा खोलते हैं, ठीक है। देखो इसने कोई मैसेज नहीं कर रखा है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसने कोई मैसेज नहीं कर रखा होगा क्योंकि फेक है, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ से रिमूव भी करता हूँ तो हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पर आप तीन डॉट पर जाना, रिमूव फॉलोवर्स, और इसको रिमूव कर देना, रिमूव यहाँ से कर देना, ठीक है ना। तो ये एक हमारा फेक फॉलोवर्स हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, ना ये मुझको फॉलो कर रहा ना मैं इसको कर रहा, ठीक है, ये हमारे फॉलोवर्स से हट चुका है। तो इस तरीके से आप अकाउंट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं तो भाई ये तो करना पड़ेगा, दिन में 10 का टारगेट बना लो या 20 का टारगेट बना लो, ये तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं एक दो एप्लीकेशन ऐसी है कि मैं आपको बता दूंगा कि उस एप्लीकेशन की मदद से आप फेक फॉलोवर्स ढूंढ सकते हो बट उनमें से रियल भी होंगे, तो भाई रियल फॉलोवर्स को अपने मत हटाओ, क्योंकि भाई वो आपको एंगेजमेंट आपको ग्रोथ भी देते हैं, आप उनको रिमूव मत करो, क्योंकि अगर आपने उनको रिमूव कर दे तो आपका कंटेंट उनके पास नहीं जाने का, अगर वो लाइक वगैरह करते होंगे तो आपको लाइक्स वगैरह नहीं मिलने के, तो इसलिए भाई आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि जिसका नाम एक तो टेढ़ा मेढ़ा सा हुआ, जिसकी डीपी नहीं हुई, या फिर जिसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा हुए, वो हमेशा फेक फॉलोवर्स या फिर हमेशा गोस्ट फॉलोवर्स रहते हैं, ठीक है। बाकी आपका दिमाग है, आप खुद समझदार हो, ठीक है। तो वैसे एप्लीकेशन से गोस्ट फॉलोवर्स अगर ढूंढ लेना, उनको रिमूव कर देना, रिमूव जरूर करना, क्योंकि अगर आपको एंगेजमेंट आपको ग्रोथ चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा प्यार दोगे, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करी है भाई, बहुत रिसर्च करी है बट अभी तक लास्ट का सोल्यूशन नहीं मिला, चलो कोई नहीं, वो फिर भी मैंने आपको एक तरीका बता दिया, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बस क्या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ मेरा प्यार करो, फिर मिलेंगे, चलते चलते।